एक पत्नी ने पहले तो अपने पति के हाथ पैर कुर्सी से बांध डाले, उसके बाद फिल्मी अंदाज में उसका कत्ल कर दिया। इस घटना के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, हम यहां पे क्राइम रिपोर्ट लेकर आते हैं आपके समक्ष और मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि क्राइम की घटनाओं को लाने से क्या फ़ायदा, इनको दिखाने से क्या फ़ायदा। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो चुकी होती है तो हम आगे का जो समय होता है उस घटना से सीख लेकर अपने आगे आने वाले समय को सही बना सकते हैं। तो यही उद्देश्य मेरा यहाँ पर है कि हम जो प्रेजेंट चल रहा है, वर्तमान जो चल रहा है, इससे सीख नहीं ले सकते हैं। इसलिए जो घटित हो चुकी हैं घटनाएं, उनको अगर हम जानेंगे, जांचेंगे, परखेंगे तो हम आगे आने वाले समय में बदलाव ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम पड़ जाएगा कि अगर हमने ऐसा किया या फिर हमारे साथ ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा ये पर्पज़ होता है या उद्देश्य होता है इन घटनाओं को आपके सामने लाने का। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह घटना है महाराष्ट्र के नागपुर की। महाराष्ट्र के नागपुर में लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति रहा करता था जिसकी उम्र थी 54 साल और दोस्तों उसकी 4 शादियां हो चुकी थी, यानी कि कोई भी बीवी उसके पास जमती नहीं थी, डटती नहीं थी, उसके साथ बनती नहीं थी। तो यानी कि उसकी 4 शादियां हो चुकी थी और फिलहाल भी उसने एक नई शादी यानी 4थी शादी की थी। जो 4थी शादी में उसकी पत्नी थी उसका नाम था स्वाति, जिसकी उम्र 28 वर्ष थी और स्वाति और वो दोनों मिलकर एक साथ रहा करते थे, यानी कि लक्ष्मण और स्वाति दोनों एक साथ मिलकर रहा करते थे। लक्ष्मण किसी फैक्ट्री में लगा हुआ था और वो दिन कर ड्यूटी पर चला जाता था दिन को और रात को अपने घर पर आता था और दोनों पति पत्नी एक साथ अच्छी तरह से रहा करते थे। लेकिन साथियों, शादी के कुछ समय बाद उन दोनों के बीच में एक तरह से कहते हैं भ्रम पैदा, शक पैदा हो जाता है। दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होने लगती है और जो लक्ष्मण होता है उसको शक ये हो जाता है कि जो मेरी पत्नी स्वाति है इसका कहीं बाहर अफेयर है, यानी कि अपनी पत्नी के ऊपर शक करने लगता है। दोस्तों, फिर क्या होता है, फिर दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है। लक्ष्मण स्वाति से लड़ाई करने लगता है और स्वाति लक्ष्मण से लड़ाई करने लगती है। इसी तरह से माहौल चला हुआ है। कुछ समय बाद स्वाति पर एक लड़का हो जाता है, यानी कि उनके घर में एक लड़के का जन्म हो जाता है। लेकिन लक्ष्मण उस लड़के को देखकर खुश नहीं था। उसका अभी भी स्वाति के ऊपर यही आरोप था कि यह लड़का मेरा नहीं है, यानी कि उसका पूरा भरोसा था कि स्वाति का जो चरित्र है वो सही नहीं है और ये जो लड़का हुआ है यह भी मेरा लड़का नहीं है। स्वाति भी बड़ी हैरान हो जाती है और स्वाति और लक्ष्मण के बीच में फिर से लड़ाई होती है। दोस्तों, फिर से लड़ाई होने के बाद क्या होता है, स्वाति रूठ कर अपने मायके चली जाती है अपने बेटे को लेकर। बच्चा 3 महीने का हो जाता है, लड़ाई हो जाती है उनके बीच में, तो अपने बेटे को लेकर वो अपने मायके चली जाती है। उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण अपने घर में आराम से रहने लगता है, दिन को ड्यूटी पर जाता है, शाम को अपने घर आ जाता है। दोस्तों, कुछ समय बीतता है, स्वाति अपने मन ही मन कुछ विचार कर लेती है और फिर क्या होता है, स्वाति लक्ष्मण के पास फोन करती है कि मैं आ रही हूँ। स्वाति अपने बच्चे को लेकर लक्ष्मण के पास चली जाती है और वहाँ जाकर पहले तो उससे प्यार करती है और जो लक्ष्मण होता है वह यह समझता है कि शायद अब हमारे दिन सही कटने लगेंगे, स्वाति को शायद समझ आ गई है। लेकिन लक्ष्मण को क्या पता था कि यहाँ पे खिचड़ी कुछ और ही पक रही है। दोस्तों, स्वाति पहले तो लक्ष्मण से प्यार करती है और प्यार ही प्यार में उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांध देती है और जैसे ही उसके हाथ पैरों को कुर्सी से बांधती है तो उसके गले को चाकू से काट देती है। और दोस्तों, फिर अपने हाथ पैरों को धो करके कपड़े वगैरह पहन करके वहाँ से अपने घर के लिए रफू चक्कर हो जाती है। आस पड़ोस के लोगों को उस घर में से दो दिन होने के बाद बदबू आने लगती है और आस पड़ोस के लोग पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इस घर में से बहुत ही बुरी बदबू आ रही है। पुलिस आती है और पुलिस लक्ष्मण की डेड बॉडी को ले जाती है अपने साथ, उसका दाह संस्कार करती है और फिर पुलिस पता लगाती है उसके मर्डर का, क्योंकि ये अपने आप नहीं हो सकता था कि कोई अपना गला अपने आप काट ले हाथ पैरों को बांध करके। तो पुलिस को कोई क्लू तो मिलता नहीं है, लेकिन फिर पुलिस कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, लक्ष्मण की कॉल रिकॉर्ड्स चेक करती है, उसमें उसने लास्ट बार अपनी पत्नी स्वाति से बात की हुई होती है। पुलिस स्वाति को उठा लेती है, उससे पूछताछ करती है तो स्वाति जल्दी ही टूट जाती है।
और पुलिस कहती है तुमने क्यों अपने पति को मारा, तो स्वाति कहती है ये मुझ पर शक करता था और मैं इसे दिखाना चाहती थी, इसे ही क्या मैं दुनिया के उन सभी पतियों को बताना चाहती थी कि जो पत्नियों के ऊपर शक करते हैं उनका ऐसा भी अंजाम हो सकता है और मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, मैंने अपने पति को मारा है। तो दोस्तों यहाँ पे किसकी गलती थी, लक्ष्मण की गलती थी क्योंकि वो शक करता था, या फिर स्वाति की गलती थी उसने इतना बुरा उसको अंजाम दिया? तो यहाँ पे आपके हिसाब से किसकी गलती थी उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। दोस्तों हमारे चैनल तिरछी बात को भी सब्सक्राइब करिएगा और हमें सपोर्ट करिए। हमारे चैनल तिरछी बात के ऊपर भी ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं वहाँ पर डालता हूँ और आपको ऐसी घटनाओं से यानी कि सत्यता के ऊपर आधारित घटनाओं के प्रोग्राम वहाँ पर वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तिरछी बात चैनल को, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक जय हिंद, जय भारत।